किसान भाइयों, आज हम कुछ चर्चा करेंगे हमारे इन द्वीपों में पशुपालन में किस तरह से आप पशुओं की आहार व्यवस्था पर ध्यान दे सकते हैं, कैसे उन्हें चारा वगैरह खिला सकते हैं, उनका प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में हैं केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर PA बाला। डॉक्टर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर, और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, जहाँ तक हमारे इन द्वीपों में पशुपालन का सवाल है, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ही रहेगा कि इसकी क्या स्थिति है? देखिए, हमारे यहाँ पर मवेशियाँ 45,000 के करीब है, भैंस है लगभग 8,000, और गोट्स यानी बकरे और बकरियाँ जो है लगभग 65,000 है। पॉपुलेशन तो काफ़ी है, लेकिन इसमें क्या है, उत्पादकता प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। हमें मवेशियों से मतलब कैटल और बफलो से दूध मिलती है लगभग 113 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, जबकि हम यही अगर कंपेयर करें हमारे मेनलैंड भारत के साथ, वहाँ पर है 375 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो इसे हम देख सकते हैं बहुत कम हम यहाँ पे उत्पादकता है हमारे जानवरों में। उसी तरह हमें और एक चीज़ देखना है कि 16 लाख लीटर दूध हमें हर साल मंगाना पड़ता है। कैसे मंगाते हैं? ड्राई फॉर्म में मंगाते हैं, और यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब यहाँ पे दूध उसको बनाया जाता है और बाद में फिर यहाँ पे बेचे जाते हैं। और कुछ तो है कि जैसे टेट्रा पैक में जैसा आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे देखना चाहिए कि जो मवेशियों से हम चाहते हैं कि मांस और जो दूध हमें चाहिए, इसके आपूर्ति के लिए हमें चाहिए कि उनको बढ़िया से खिलाया जाए। और हमारे यहाँ पे दाना चारा के प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं है कि जो हम जानवर को खिला सके, इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें मेनलैंड से मंगाना होता है। अभी लगभग 99% जो है ग्रीन फोडर की डिमांड है, मतलब जो हमारे पास कम है, डेफिसिट है, और लगभग 50-52% कमी है हमारे ड्राई फोडर, और आखिर में जो दाना वगैरह है उसकी आपूर्ति के लिए हमारे यहाँ पे डेफिसिट यानी डिमांड है लगभग 97% डेफिसिट है, इसको हमें आपूर्ति करना पड़ेगा। इसके अलावा हम अगर एक होलसमली देखें, हमें सबसे ज़्यादा डिमांड यहाँ पे है हमारे ग्रीन फोडर की, क्योंकि हमारे भारत में जो है 70% जो मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध की उत्पादन होती है वो सिर्फ और सिर्फ फोडर से होती है, मतलब सूखा चारा और हरा चारा। तो इसीलिए हमें क्या है, फोडर को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमारे इस आइलैंड्स में प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। बहुत बहुत बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि हमारे यहाँ पर दूध की जो आपूर्ति है उसके लिए हम मुख्यतः मुख्य भूमि पर ही निर्भर है। अंडे और मुर्गियों का जहाँ तक सवाल है, तो कुछ हद तक हम इसमें हमारी आत्मनिर्भरता है, लेकिन दूध उत्पादन अभी भी बहुत बहुत कम है। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है? देखिए, सबसे मेन चीज़ है, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें हमें क्या है, कॉन्क्रीट भी यूज़ करनी होती है, पत्थर वगैरह, और साथ में क्या है, सीमेंट वगैरह भी यूज़ होता है, ग्रेवल वगैरह भी यूज़ होता है, रेत भी यूज़ होती है। अब अगर ये तीनों चीज़ में अगर जो प्रोपोर्शन हमें यूज़ करनी होती है उससे अगर थोड़ा ज़्यादा कम हो जाए तो बिल्डिंग क्या धराशायी हो जाएगा, कुछ दिन बाद ही वो टूटने लगेगा। तो उसी तरह हमें क्या करना होता है, एक जानवर को बैलेंस्ड फीडिंग करना होता है, संतुलित आहार देना जरूरी है, क्योंकि संतुलित आहार से ही हम जानवरों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उस जानवर को समझें, उस जानवर की स्थिति क्या है, मतलब वो मोटा है, पतला है या मध्यम है, तो हमें वो समझना चाहिए। अगर पतला है तो उसको तो पहले उसका बॉडी कंडीशन मतलब उसको थोड़ा सा स्वस्थ पहले ठीक करना है, उसके बाद में हमें सोचना है कि उससे हम कैसे उत्पादकता ले सकते हैं ज़्यादा, एक। दूसरी बात, अगर मोटा है तो उसको क्या हमें मीडियम लाना है, क्योंकि मोटा जानवर में भी क्या है, प्रोडक्शन कम होता है, उसमें क्या है, जो दाना चारा खा रहा है वो बैलेंस नहीं है, इस वजह से ही वो ज़्यादा मोटा है। और हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि उस जानवर का स्थिति क्या है, उस जानवर कौन सा कंडीशन में है, मतलब छोटे बच्चे हैं तो वृद्धि होगी, अगर सोचिए दूध देने वाला या गर्भवती है तो उसके लिए भी ज़रूरत क्या है, जानवर के हिसाब से हमें उसको समझना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत क्या है। उसके बाद हमें क्या है, एक साइंटिफिक अप्रोच यानी वैज्ञानिक विधि से उनको खिलाना पड़ेगा, मतलब हमें तय करना पड़ेगा कि इस जानवर को क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है और हमें कितनी उनको खिलानी है, कंसंट्रेट कितनी देनी है, फोडर कितनी देनी है और मिनरल मिक्सचर वगैरह और विटामिन्स कितनी देनी है इनको। तो इसके लिए भी क्या है, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर जो दाना है या चारा है या जो भी चीज़ है उसमें कितना पोषक तत्व है। जी ठीक है, और इस पोषक तत्व में जैसा कि मेनली हम जानते हैं वसा मतलब फैट, प्रोटीन होती है और आखिर में कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा वगैरह जो होती है, तो ये तीनों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। और इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स,
क्या होता है, कुछ विटामिन तो जानवर खुद अपना पेट में बना लेते हैं और कुछ विटामिन जो होता है हमें बाहर से देना पड़ता है सप्लीमेंट या एडिटिव के हिसाब से, तो उसका भी हम ध्यान दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जो जानवर की जो अवस्था है उसे पहचान कर ही उन्हें दाना या जो चारा है वो उसे दिया जाना चाहिए जी। अगर गर्भवती है तो उसे क्या देना चाहिए, बच्चा है तो उसे क्या देना चाहिए, दूध दे रहा है तो उसे क्या देना चाहिए, तो ये जो फोडर या जो दाना चारा खिलाते हैं इसका कोई थंब रूल है, कैसे किसान समझें कि कितना किसको कैसे देना चाहिए करके? देखिए, सबसे मेन बात है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या है, जल्दी ग्रो करना है, वृद्धि जल्दी होनी है उसके, तो उसमें नॉर्मली देखा जाता है कि जो मतलब बचपन में सबसे ज़्यादा स्पीड में ग्रोथ होता है और वो क्या होता है, लगभग 3 महीने से लेकर आपका यूँ कह लीजिए 10 महीने के करीब, तो उस समय में क्या होता है, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और एनर्जी की कम ज़रूरत होता है, तो उस समय में हमें क्या है, खल वगैरह होती है, खली तो वो हम ज़्यादा दे सकते हैं, जैसा कि आप कहोगे मूँगफली की खली, यहाँ पे भले ही ना मिले लेकिन हम वो मेलेंड से मंगा सकते हैं, फिर मस्टर्ड यानी आपकी सरसों की खली, और हमारे यहाँ पे जो है नारियल, तो हम खोपरा खिला सकते हैं। खोपरा में क्या होता है, नॉर्मली खोपरा में तेल निकालने के बाद में जो खोपरा यानी भूरा जो बचा रहता है उसमें ज़्यादा प्रोटीन होती है, तो लगभग 26% प्रोटीन इसमें होता है, और जो सरसों है उसमें लगभग 38%, और मूंगफली जो होता है उसमें हम थमरूल पकड़ के चलते हैं कि लगभग 43 से लेके 45, और आखिर में आजकल जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है वो है आपका सोयाबीन मिल। सोयाबीन मिल क्या होता है, हमें एक बार टेस्ट करके देखना पड़ता है कि उसमें कितना प्रोटीन है, क्योंकि इसका प्रोटीन कम से कम 45 से लेकर 55-56% तक जाती है, तो इसलिए हमें टेस्ट करके देखना पड़ेगा कितने हम दे रहे हैं, तो ये प्रोटीन जो है हमें काफ यानी बच्चों का उसमें ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में जो प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेग्नेंट में क्या है, हमें लगभग अगर गाय है तो लगभग 6 महीने तक हमें कुछ एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ता है, लेकिन 6 महीने के बाद में एक समय होता है कि उसके बाद हमें उसको मतलब कंसंट्रेट यानी दाना हमें ज़्यादा देना पड़ता है, खल हमें ज़्यादा देना पड़ता है, यूँ लगा लीजिए कि लगभग 1 kg से लेकर 1.5 kg आपको बढ़ाना है प्रति महीना में, ठीक है। और जैसे आपका गोट्स है, गोट्स में हम यूँ मान के चलते हैं कि 100 ग्राम दाना जो है हमें हर दिन देना होता है, और इसके ऊपर में जो ये ब्राउज करके मतलब ये बाहर में जाके खाते हैं, चरते हैं जो ये, उसके अलावा हमें 100 ग्राम हमें हर दिन देना होता है, लेकिन जब ये प्रेग्नेंट होते हैं उस समय में क्या होता है 200 से लेकर 250 ग्राम तक हमें बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि मेनली हम अगर देखें कि जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसका जो बच्चा है अंदर में जो फिटस बच्चा है वो क्या होता है, अगर पूरा प्रेगनेंसी टाइम को आप 3 भागों में डिवाइड करें, पहला 2 भाग के जो समय होते हैं उसमें ज़्यादा बढ़ता नहीं है, लेकिन जो आखिरी जो समय होता है उसमें क्या होता है लगभग 4 गुना बढ़ता है। एक गाय का बच्चा अगर उसका प्रसव कर समय में उसका 30 kg का वेट होता है या 28 kg का वेट होता है, तो 7 kg का वजन जो है वो पहला 2 भाग में और आखिर में जो है लगभग 20-21 kg आखिर में बढ़ेगा, तो उस समय पोषण की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए उस समय पोषण की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं कह रहा था लगभग 6 से 6.5 महीने तक आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, मगर लास्ट में जो 3 महीने के करीब होता है 3-3.5 महीना उस टाइम या उस समय में आपको देना ज़रूरी है लगभग 1 kg से 1.5 kg ज़्यादा दाना हर दिन एक पशु को देना ज़रूरी है। और लैक्टेशन, और दूध के लिए हम मानते हैं कि भैंस में जो है प्रति 2 kg या 2.5 kg हम 1 kg दाना देना पड़ेगा, और जो आपका गाय है 2.5 से 3 kg प्रति दूध के हिसाब से 1 kg दाना हमें ज़्यादा देना पड़ता है, और इनका जो पीक यील्ड या सबसे ज़्यादा जो दूध प्रोडक्शन होता है ये होता है आपका 3 महीने से लेकर आगे लगभग 5 महीने तक, टोटल 8 महीने लगभग। उसके बाद में क्या है, उसको ड्राई भी कर सकते हैं, या हमारा एक टारगेट होता है कि हर साल हम 1 बच्चा हम प्राप्त करें, तो इसके लिए हमें वो समय में एनर्जी ज़्यादा देना पड़ता है, और ऊपर से कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ कहते हैं वो भी होना देखा गया है, जैसे कि आपका कीटोसिस हो गया या एसिडोसिस हो गया ये भी हो जाता है, और मिल्क फीवर जो कहते हैं ये सब देखा गया है, तो इस टाइम हमें क्या करना होता है, शुरू में उसका बच्चादानी जितना जल्दी छोटा नहीं होता पेट में बच्चा देने के बाद, इसलिए उस टाइम पे क्या करना होता है, ज़्यादा घास वगैरह नहीं खा सकता है, दाना हमें देना ज़रूरी होता है, शुरू के जो 3 महीना है बहुत बढ़िया से खिलाना पड़ता है, और उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, कैल्शियम वगैरह भी देना होता है। तो डॉक्टर साहब, आपने विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह से फीड मैनेजमेंट किया जाए जानवरों को इस बारे में बताया, अब चलते चलते बताएं कि हमारे इन द्वीपों में जहाँ तक फोडर रिसोर्सेस या जो चारा वगैरह जो जानवरों को देते हैं इसकी अवेलेबिलिटी या इसकी उपलब्धता कितनी है और इसमें क्या किया जा सकता है?
देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, घास जो यहाँ पे ज़मीन में उगती है या जंगल में है, खरपतवार भी है, खरपतवार भी हम खिला सकते हैं, क्योंकि खरपतवार जब तक वो पॉइजनस नहीं है तब तक हम उसको ये नहीं सोच सकते कि ये ख़राब है, तो सारे चीज़ हम खिला सकते हैं जानवर को। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, जो घास वगैरह है ये बहुत कम है, हमें और ज़्यादा चाहिए। और ये ज़्यादा हमें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हाइब्रिड, हाइब्रिड हमें चाहिए, यहाँ पे हम उगाएं और जानवर को खिलाएं। यहाँ पे नेपियर और बाजरा के हाइब्रिड हैं हमारे पास भी है, और हमारे यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री है हमारे दीपों में उनके पास भी है, उस डिपार्टमेंट के पास। तो हमारे पास देखिए क्या क्या है, एक तो है कोम्बू नेपियर, यानी बाजरा नेपियर का हाइब्रिड। इसमें क्या आता है, कोम्बू 4, 5 और 6, मतलब Co4, Co5 और 6। इसके अलावा DHN6 भी है, ये भी नेपियर बजरा हाइब्रिड का ही है वैरायटी। इसके अलावा पैराग्रास है और गिनी ग्रास है। ये जो नेपियर हाइब्रिड मैंने बताया ये बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन मिलता है। शुरू में क्या आया, 45 डेज के बाद में आप इसको देखें कि कैसा प्रोडक्शन है इसका, और उस समय उसको थोड़ा सा नर्चरिंग भी करें, और ये पहला कट जो है आप 2 महीना के बाद ले सकते हैं, मतलब 60 डेज के बाद, और उसके बाद प्रति 45 से 50 दिन के बाद में उसका कितना मतलब ग्रोथ है वो देखने के बाद 45 टू 50 डेज के बाद में आप ले सकते हैं, कटाई हो सकती है। और सबसे हाँ सबसे खूबसूरती की बात है कि ये मल्टी कट है, मतलब ये साल भर आते रहेंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब बारिश वगैरह कम होती है ना, तो उस समय हो सके तो थोड़ा इरीगेशन यानी पानी होना की थोड़ा का देना पड़ेगा। पैराग्रास और गिनी ग्रास, ये दो घास जो है, थोड़ा सा नमक वाला पानी जो है, जो बैक वाटर जो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी बीच में सुनामी के बाद, उस जगह पे भी ये आप आराम से उगा सकते हैं। ये जो पैराग्रास गिनी ग्रास और कोम्बू नेपियर, ये सारे इसलिए मतलब चूज़ किया गया, जो मेनलैंड से इसलिए लाया गया, क्योंकि ये सारे चीज़ ना आप एरिकनट यानी सुपारी पेड़ों के बीच में भी लगा सकते हैं, और नारियल पेड़ जो है उसके बीच में भी ला सकते हैं, और आपको उतना ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पानी की मात्रा भी अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि इतना सूखेगी नहीं जल्दी, क्योंकि प्लांटेशन के बीच में है। और इसके अलावा ये जो प्लांट्स है ये सारे जो है दलहन जातीय नहीं है, मतलब इसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ा कम है, इसलिए इसके साथ में काउपी यानी लोबिया वगैरह लगा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया होगा कि लोबिया का साथ मिला के आप थोड़ा सा खिलाएं ना इसको, तो इसको दाना देने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो दाना वगैरह जो बेचते हैं ना, जो यहाँ पर सूखा दाना कैटल फीड सोच के, हाँ कैटल फीड, ये आपको देने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ है जिंदा बल्ली, जिंदा बल्ली भी बहुत ही पौष्टिक होता है और ये हाई प्रोटीन वाला है, तो इसको आप बकरियों को भी खिला सकते हैं। जो जानवर जो मवेशी आपको दूध दे रही है उसको लगभग 30 kg खिला दीजिए, और जो दूध नहीं दे रही है उसको 20 kg दे दीजिए। ये कैटल और बफेलो दोनों के लिए, मतलब गाय और भैंस के लिए दोनों के लिए ये है। और ये सीजनली भी ना आप थोड़ा ऐसे इसको मैनिपुलेट कर सकते हो, कैसे सीजन के, आप अगर जैसा ये नेपियर ग्रासेस जो है या पैरा ग्रासेस, ये आप सुखा के रख सकते हैं, और जो हम देखते हैं कि बारिश, जब बारिश होती है ना उस समय तो ये उगती नहीं है, क्योंकि उसके बाद ही लगाया जाता है। तो उस समय में बारिश में क्या होता है, आपके जानवर जो आप बाहर में ज़्यादा चराने के लिए नहीं भेज सकते, तो उस समय जो ये सूखा वाला जो है इसको आप क्या है काट के सुखाए, इससे क्या होगा बोरी में भर के आराम से रख सकते हैं। अच्छा। और उस समय में आप क्या कीजिए, ये बोरी खोल के उनको खिलाइए, और साइलेज बना सकते हैं। साइलेज मतलब एक किस्म के अचार जैसा होता है, इसको प्रिजर्व करते हैं। ये क्या है, हरा जो है उसी को थोड़ा सा सुखा के, थोड़ा सूखा के हम इसको प्रिजर्व करते हैं। ये सारे टेक्नोलॉजी भी मतलब हमारे यहाँ पे अभी हम शुरू करेंगे। और हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स मतलब इसमें क्या है, आपको खेत में कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, प्लास्टिक ट्रे में आप लगा सकते हैं, और इसमें क्या होता है 10 से 12 दिन में तैयार हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे आइलैंड कंडीशन में अगर इसमें थोड़ा ग्रोथ अगर कम भी हो तो 15 दिन में तो आप खिला ही सकते हैं इसको, 10 से 12 दिन नहीं तो 15 दिन में। तो इसमें क्या है, आपको ऐसा ट्रे लगाइए, अगर आप 12 ट्रे लगाएंगे तो 12 दिन में एक एक ट्रे आप उसको एक जानवर को खिला सकते हैं। तो ये सब मैनेजमेंट इस तरह से चारे के संदर्भ में किया जा सकता है, और साल भर जानवर को जैसे आपने शुरू में बताया कि अगर जब तक हम अच्छा से उसे खिलाएंगे नहीं तब तक जो वांछित उत्पादन है वो मिल नहीं पाएगा। नहीं, तो कुछ टेक्नोलॉजीज आपने बताया ये आप लोग अभी यहाँ पर अंडमान के लिए उनको टेलर मेड कर रहे हैं, जो कि किसानों तक पहुँचाएंगे बहुत जल्दी ही। तो डॉक्टर बाला आपसे इतनी बातें हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, थैंक यू।